ये होटल है, होटल कृषि रेजिडेंसी। इसमें हमें मिला 700 रुपया कमरा, लेकिन पानी वानी मिला नहीं ढंग से। और ये है कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी, 200 साल पुराना स्कूल। आप निकालते हैं अपनी गाड़ी, गाड़ी खड़ी है वहाँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आप मेरे ट्रक वाली वीडियो जाके देखेंगे ना, मैंने उसको 4 महीने पहले भी दिखा रखा है इसको। तब के मुकाबले काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन लग जाएगा 1 साल और इसमें। अब ये पता नहीं कि कल को यह जो नदी है छोटी मोटी जैसी भी है, अगर इसके अंदर ज़्यादा फ्लो आ गया तो इस हाईवे का क्या होगा। तो उसको कहते हैं राम जाने, फिर तो राम जाने ही है। हाँ भाई, हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दर्शन कराए थे माता शाकुंभरी देवी टेम्पल के, जो कि यूपी के सहारनपुर में पड़ता है। फिर वहां से हमारा प्रोग्राम था चकराता जाने का, चकराता के लिए हो गए लेट, तो हम आ गए अपने पुराने डेस्टिनेशन मसूरी में। अब की बार हम मसूरी में वहां नहीं रहे, मॉल रोड के आसपास हम जॉर्ज पीक साइड में हाथी पांव एक जगह है, वहां पे आके हमने होटल लिया और अभी हम निकल गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट। ये रास्ता है जी जॉर्ज पीक का। मसूरी कई बार आया मैं, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा पिछले वाला, उसमें भी जा नहीं पाया था मैं। अभी बता रहे थे कि यहाँ पे बर्फ गिरी थी, लेकिन बहुत कम गिरी थी और वो दोपहर होते होते पिघल गई थी। ये मसूरी का सबसे टॉप का एरिया है, टॉप का मतलब हाइट पे। सामान रखने का है, बैठ जाऊं। सब कुछ प्राइवेट कर दिया भाई है। अभी 4 महीने पहले मैं आया था जब कोई टिकट नहीं थी। गवर्नमेंट को पता है ये लोग पैसे फूकने आए हैं, ठीक है, निकल वाले की जेब से जितने निकलवाए जाए। आगे जी चलो बैर वाले भाई आपके। रेंजर सौ रुपये लेती है, अच्छी चीज है। ये आ गए हम जॉर्ज एवरेस्ट की कोठी पे। एयर सफारी, मसूरी एयर सफारी प्लस GST, हिमालयन किटी हॉक, हिमालयन एक्सपेडिशन। 4 महीने पहले आया था मैं, यहाँ नहीं आ पाया। आप मेरी वीडियो देखना, हम वापस ही चले गए थे रास्ते से चढ़ाई। एक मेरे साथ एक शर्मा जी थे, वो चढ़ नहीं पाए। तो अब की बार आए हैं तो एक नया ही यहाँ पे जो ना फंडा चल रहा है। पिछली बार कोई टिकट नहीं थी, अब टिकट इन्होंने कर दी है 200 रुपये पर पर्सन यहाँ तक आने के लिए। और ये जो मैंने आपको अभी ये पोलारिस दिखाई थी, ये 100 रुपये लेती है। 100 रुपये ले दे के आप सीधा उस पे आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, ये भी ये 100 रुपये दे के भी आ सकते हो। तो मैं कहा यार पता नहीं कितनी दूर होगा,
हमने 100-100 रुपये दे के हम इस पे आ गए, लेकिन इसने तो 5 मिनट में छोड़ दिया। ये ज़बरदस्त वादियाँ सामने आपको शायद ना दिख रहे हो, पहाड़ हैं बर्फ से लदे हुए। वो ऊपर वो सामने वहाँ पे वो एक मंदिर दिख रहा है छोटा सा, ये ऊपर कोई मंदिर है, राम जाने कौन सा बाबा यहाँ बैठता होगा। ये यहाँ से आपको देहरादून घाटी का पूरा नज़ारा मिलता है, देखा ही है। देहरादून नहीं है ना, देहरादून तो उस तरफ है, देहरादून तो वहाँ है। एयर सफारी है, 5,000 रुपये में आपको एक चक्कर मरवा देगा ये यहाँ के एयर सफारी। हवा ठंडी है लेकिन टॉलरेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई आपको जो है ना मफलर वफलर पता नहीं क्या क्या लेके आना पड़े। धूप अच्छी निकली हुई है। चलिए यार, अब दोबारा उधर जाना पड़ेगा, तो सब जाना पड़ेगा। वहां चले ऊपर टॉप पे, देखो देखो दिख रहे हैं वो लड़के खड़े वहां पे, देख देख मेरे रास्ता है, यहीं से है रास्ता। इसकी तो टिकट नहीं लगती क्या है, कहाँ से मिलेगी, यहीं से देना दो। ये है जी जॉर्ज एवरेस्ट, जहाँ रहते थे जॉर्ज एवरेस्ट जो थे ना, इन्होंने एवरेस्ट के बारे में बताया था कि ये सबसे ऊंची चोटी है, ये उस पर चढ़े नहीं थे, इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था कि ये सबसे बड़ी चोटी है, इसीलिए इनका नाम, इनके नाम के ऊपर एवरेस्ट का नाम पड़ा। ये सर्वेयर ऑफ इंडिया थे उस टाइम। माइक्रो ऑप्टिक डिजिटल थियोडोलाइट ओपन डायल, ये सब दूरबीने रखी है जी जॉर्ज साहब की, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मरीन डायल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यार यहाँ से एंट्री है, वहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ सह तीर है और में है, घाट ट्रेसर, ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए जी उनके यूज किए हुए। 1808, 1803, 1805 द गवर्नमेंट हाउस फॉर सेंट जॉर्ज मेड्रास न्यू चेन्नई। ये जॉर्ज साहब नहीं बैठे, ये उनका पुतला बैठा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। गुड, पूरा ज्योग्राफिकल सर्वे है। देख ले ऐसा लग रहा है जैसे कल बना हुआ है, और ये बना था पता कब, 1850 में। उस टाइम कौन सी सीमेंट होती थी पता,
हिस्ट्री ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग किंटुप 1880-1883। अच्छा किशन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह, राधानाथ सिकदर, द पास्ट वी मस्ट प्रिजर्व, द ग्रेट इंडियन एक्सप्लोरर, द नेटिव इंडियन एक्सप्लोरर, इन सब लोगों ने पहाड़ों में घूम घूम के ये पता लगाया कौन सी नदी कहाँ से जुड़ी हुई है, कौन सा पर्वत श्रृंखला कहाँ से कितना ऊंचा है, ये सब इन्होंने अपने पुराने हिसाब से लिया। तो इतना ही घूमे भाई, ऐसे नहीं पता हमें ये सारी चीजें। लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। इन्होंने तो कैलकुलेट किया था हाइट को माउंट एवरेस्ट की। हाँ, माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट किया था इन्होंने। पंडित नैन सिंह ने किया था, ये इंडियन एक्सप्लोरर। हाँ, ये देखिए ये भाई साहब जो खड़े हैं, ये भाई साहब का पुतला है ये, प्लेन टेबल सेट, ये जॉब साहब का है। लेकिन ये तो नया सा लग रहा है ना, पुराना नहीं है। अनपढ़ थे लेकिन इतना ज्ञान तो उनको था ही, अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके बता दिया कितनी ऊंचाई पे पर्वत है, कौन सी नदी कितनी लंबी है। लेकिन वही बात है ना, नाम सबसे ऊपर एवरेस्ट साहब का आएगा। ये सारा बनाया ना उन्होंने, ये सारा जितना है ये देखो, ये सारा उनके मार्किंग की हुई है उनकी, मतलब अभी इन्होंने जो लाल लाल में कर रखा ना, ये सारा ये वहां पे घूमे हुए हैं। इसको बोलते हैं चक्की। हाँ, तो इसमें क्या था, इसमें हम लोग यूज करते थे फाइन सैंड, हाँ, सुर्खी और उड़द की दाल, गुड़, मेथी और आपका ईट आती है पीसी हुई, जिसे बोलते हैं हम लोग सुर्की। अच्छा, ये राजस्थान से आती है। हाँ, जो हमारी छोटी हल्की वाली ईट होती है। हाँ, वो चक्की में पिस के आती है वहां से। हाँ, जैसे हम लोग आटा पीसते हैं। हाँ, इस तरीके से तो डस्ट टाइप की हो जाती है। हाँ, तो उसको बोलते हैं सुर्खी। अच्छा, तो सुर्खी, उड़द की दाल, गुड़, मेथी, फाइन सैंड और लाइम, इन चीजों का पेस्ट बना के तब इसका ब्रिक वर्क हुआ, इसी से प्लास्टर हुआ था। सारे इसमें वही लगा हुआ है, ये भी वही लगा हुआ है, ये इसको ये भी वही है, ये उसी टाइम का बना हुआ है। इसमें लोहा यूज नहीं होता ना, इसलिए पत्थर लगा हुआ है। तुम बताइए, इसमें कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सीमेंट नहीं है। अच्छा, ये 200 साल हो गए ना इसको। हाँ, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। 200 साल पुरानी बिल्डिंग। आपका नाम भाई साहब? कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा जी, धन्यवाद आपका। पूरा प्लास्टर उसी का है, सब उसी का है, वर्क भी उसी का है। वाह भी वाह। चूल्हे की खासियत होती है वो दो लगभग 100-125 साल के बाद अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता है। उसके बाद पकड़ता है जी। तो इसका मतलब इसके तो लाइफ ही 1000 साल हो गई होगी। इसको आप मेंटेन करोगे तो 1,00,000 साल चला लो। सीमेंट हमारा 70 साल में खत्म हो जाता है। सीमेंट का तो बेकार मामला है, 5 गुनी ज्यादा लागत लगती है। हाँ, और चिनाई इसकी आप पर डे 1 मीटर से फालतू नहीं कर सकते। हाँ, वो बनाना है उसको। नहीं, उसका नहीं, ये सूखता नहीं है जल्दी। अच्छा अच्छा, ये प्लेन्स में सूख जाता है, पहाड़ों में यहाँ पे वेदर होता है नम। हाँ, नम होता है तो सूख नहीं तो पाता है। ये हीट, ये सूखने में ही सबसे ज्यादा समय लेता है। और 1 मीटर मोटी दीवार है इसकी, 1 मीटर आसपास। थैंक यू भैया। ऐ मंजिलों तुम्हारे पास आऊं कैसे, रास्ते इतने सुंदर हैं, इन्हें छोड़ के जाऊं कैसे। जॉर्ज एवरेस्ट के आपको दर्शन करा दिए, अब हम निकल लिए हैं वहां से सीधा ऋषिकेश। फ्रेम में नज़ारों के मजे ले रहे हो, शेरो शायरी सुन रहे हो, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।